प्रिय छात्रों, ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत आज हम ये लेकर चलते हैं कि वैद्युतधारिता का एक अन्य टॉपिक उभयलिस विभव, आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा क्षय। उभयलिस विभव, आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा क्षय का हम प्रयोग तब करते हैं जब दो विद्युत चालकों को हम अलग अलग लेकर चले, फिर उनको हम किसी चालक तार के द्वारा जो है वो हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने दो विद्युत चालकों को लिया, गोलीय चालकों को। एक गोलीय चालक जो है वो आपका हो गया ए, और ये जो है वो आपका विद्युत है, इसकी धारिता जो है वो आपकी हो गई सी। दूसरा हमने विद्युत गोलीय चालक लिया बी, और इसकी धारिता जो है वो आपकी हुई सी। ये दोनों जो है वो आपके विद्युत गोलीय चालक है। चालक ए को हमने आदेश दिया क्यू, जिसके कारण इसके विभव में वृद्धि जो है वो आपकी हुई वी पर। चालक बी को हमने आवेश दिया क्यू, और इसके विभव में वृद्धि जो है वो आपकी हुई वी। यहां पर हम ये लेकर चले कि यदि वी वन का मान जो है वो आपका वी टू से अधिक है, तब इस कंडीशन में हम ये लेकर चले कि जो चालक ए है, चालक ए पर अगर हम आवेश को देखें तो आवेश को हम धारिता और विभव के रूप में लेके चले, तो ये जो आपका हो गया q1 = c1 v1, ये समीकरण हो गए एक। अब इसके बाद हम ये लेके चले चालक बी पर, चालक बी पर आवेश, तो चालक बी पर आवेश जो आपका हो गया q2 = c2 v2, और ये समीकरण जो है वो आपकी हो गई। अब हमने क्या किया कि चालक ए पर, चालक ए पर ऊर्जा या चालक ए की कुल ऊर्जा या वैद्युत स्थिति ऊर्जा, तो कल यू वैसे भी ऊर्जा जो है बाकी होती है यू बराबर 1/2 CV² से, तो ये जो आपका हो गया U1 = 1/2 C1V1² ये समीकरण हो गई। इसी प्रकार हम लिख चले चालक बी पर ऊर्जा, तो चालक बी पर जो आपकी ऊर्जा है ये जो है बाकी हुई U2 = 1/2 C2V2² और ये समीकरण जो है बाकी हो गई 4। अब हम निकाय की ऊर्जा को लेकर चले, तो निकाय की कुल ऊर्जा, ये कुल ऊर्जा चालक ए की कुल ऊर्जा तथा चालक बी की कुल ऊर्जा के योग के बराबर होती है, तो U बराबर आपका हो गया U1 + U, तो U बराबर आपका हुआ 1/2 C1V1² + 1/2 C2V2² और ये कुल ऊर्जा जो है बाकी हो गई 5। अब ये दोनों विद्युत गोलीय चालक है, तो इनकी पहले हमने आवेश को निकाला, फिर इनकी ऊर्जा को निकाला, फिर इनको हमने कुल ऊर्जा को निकाला निकाय। अब हम क्या कहते हैं कि जो चालक ए है, ये हो गया चालक ए, इसकी धारिता सी पर। चालक बी, इसकी धारिता सी पर, इसको हमने क्या किया एक नगण्य धारिता की, चालक तार के द्वारा इसको हमने जोड़ा, तो ये जो है आपका एक चालक तार हो गया, जिसके द्वारा हमने इन विद्युत गोलीय चालकों को हमने एक दूसरे से कनेक्ट किया। जब इनको हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो V1 का मान जो है वो आपका V2 से अधिक है, तो धन आवेश जो है वो आपका उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो है वो आपका प्रवाहित होता है, और ये जो है आपका तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों चालकों पर विभव का मान जो है वो आपका समान नहीं हो जाता। जब विभव का मान जो है वो आपका समान हो जाएगा तो आवेश का स्थानांतरण भी रुक जाता है, क्योंकि आवेश का स्थानांतरण जो है वो आपका केवल विभवांतर के द्वारा ही आपका संभव होता है, और जब दोनों का विभव जो है वो आपका समान हो जाएगा तो आवेश का स्थानांतरण भी रुक जाएगा। जब आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा तो
इसका जो आपकी आवेश की मात्रा होगी अब वो आपकी क्यूबन ना होगा, ये जो है आपकी हो गई क्यूबनेस, इस पर आवेश की मात्रा जो है वो आपकी हो गई क्यूबनेस। अब पेन विभव जो है वो आपका था V1, उसकी जगह पर विभव जो है वो आपका आ गया V, और इस पर भी विभव जो है वो आपका हो गया V, लेकिन धारिता कोणों की आपकी एज इट इज रहती है। तो ये जो आपका समान विभव होता है, इस समान विभव को हम कहते हैं इसका उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव जो है वो आपका हो गया V, और ये उभयनिष्ठ विभव जो है वो आपका हो गया कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल धारिता, कुल आवेश जो है वो आपका हो गया पहले वाले का Q1 था, दूसरे वाले का Q2, और इनकी धारिता जो है वो आपकी C1 प्लस C। तो V = आपका हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये जो है वो आपका हुआ उभयनिष्ठ। तो जब इन विद्युत गोलीय चालकों को हम किसी नगण्य धारिता के चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं, तो अब जोड़ने के पश्चात जो है वो आपका आवेश का जो है स्थानांतरण होता है, और आवेश का स्थानांतरण विमांतर के कारण होता है, और धन आवेश जो है वो आपका उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। तब यह तब तक प्रवाहित होगा जब तक ये दोनों पर विभव जो है वो आपका समान नहीं होता। इस समान विभव को हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव, और ये उभयनिष्ठ विभव जो है वो आपका हुआ V = कुल आवेश बटे कुल धारिता। V = Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2। अब Q1 का मान जो है वो समीकरण नंबर 1 से C1 V1, Q2 का मान समीकरण नंबर 2 से C2 V2, और कुल धारिता जो है वो आपकी हो गई C1 + C2। अब यहां से हम ये लिख कि जब हम इनको हम किसी चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं, तो अब इन पर जो आपका विभव जो है वो आपका कार्यरत होगा, वो विभव जो है वो आपका होगा उभयनिष्ठ विभव। इस उभयनिष्ठ विभव के कारण अब यहां पर हम ये लेके चले तार से जोड़ने के पश्चात, तार से जोड़ने के पश्चात, जोड़ने के पश्चात चालक ए पर आवेश, और ये आवेश जो है वो आपका हो गया Q1 - C1V, और ये समीकरण जो है वो आपकी हो गई 6। इसके बाद हम लेके चले चालक बी पर आवेश, ये जो है आपका हो गया Q2 - C2V, ये समीकरण होते ही 7। समीकरण 6 में समीकरण 7 का हम डिवाइड करते हैं, तो इक्वेशन 6 डिवाइड बाय इक्वेशन 7, तो ये जो है आपका हो गया Q1 - Q2 इसी तरह C1V - C2V। अब यहां से V से जो है आपका V कैंसिल आउट हो गया, तो ये जो आपका हुआ Q1 - Q2 = C1 / C2। तो जब इन विद्युत गोलीय चालकों को हमने किसी चालक तार के द्वारा जोड़ा, तो चालक ए पर आवेश की जो आपकी पुनर्वितरण हुआ वो आपका हो गया Q1 - और बी पर जो आपका आवेश रहा वो आपका हुआ Q2 - और Q1 / Q1 = Q2 आपका होता है C1 / C2। यानी कि जो आवेशों का पुनर्वितरण होता है वो उनकी धारिताओं की जो है वो आपका अनुपातिक होता है। जिस चालक की धारिता जो है वो आपकी अधिक होगी उस पर आवेश की मात्रा भी अधिक होगी, और जिसकी धारिता जो है वो आपकी कम होगी उस पर आवेश की मात्रा भी कम होगी। तो यहां से हम ये लिख चले कि Q1 / Q2। अब ये जो आपके विद्युत गोलीय चालकों को हमने लिया, तो ये गोलीय चालक है, तो ये जो आपका C1 / C2 इसी करके आपका हो गया 4π0 a1 / 4π0 a2। तो 4π0 से 4π0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से ये निकल के आया Q1 / Q2
is equal to C1 upon C2 is equal to A1 upon A2, यानी कि आवेशों का जो पुनर्वितरण है वो गोलीय चालक की घटाओं के त्रिज्याओं के अनुपातिक होती है। अब यहीं से हम निलेगे चले कि आवेशों का जो पुनर्वितरण हुआ इसके कारण चालक A पर अब चालक A पर पहले जो आवेश था वो आपका था Q1, बाद में जो है वो आपका हुआ Q1 डैश। तो इसमें आवेश में जो है वाकई क्या हुई कमी, क्योंकि V1 का मान V2 से अधिक था तो धनावेश जो है वो A से जो है वापस B पर जाता है, जिसके कारण चालक A पर आवेश की जो है वाकई हो जाती है कमी। तो चालक A पर आवेश की कमी, ये कमी जो है वाकई हो गई डेल्टा Q, और ये डेल्टा Q बराबर आपका हुआ Q1 माइनस Q1 डैश, और Q1 बराबर आपका हुआ C1 V1 माइनस C1 V, तो C1 कॉमन लिया V1 माइनस V, तो ये जो आपका हुआ डेल्टा Q, और ये समीकरण जो है बाकी हुई 8। अब इसके बाद हम नीले पे चले, जो आपका चालक B है, चालक B पर आवेश की जो है वो आपकी क्या हुई अधिकता, तो इस पर जो है वो आपका आवेश चालक बी पर आवेश की अधिकता, ये अधिकता जो है ये अधिकता हुई डेल्टा की, तो ये जो है आपका हो गया Q2 डैश माइनस Q2, अब Q2 डैश जो है आपका हो गया C2 V माइनस C2 V2, तो C2 कॉमन लिया तो ये आपका हुआ V माइनस V, तो डेल्टा Q ये बराबर आपका हुआ C2 V माइनस V, और ये समीकरण जो है बाकी हो गई 9। अब यहां से हम ये लिख चुके कि चालक A पर तो आपकी आवेश की कमी है यानी कि डेल्टा Q, और चालक B पर जो आपकी आवेश की अधिकता है समीकरण नंबर 9 से, ये दोनों मान जो है वो आपके समान होंगे। अब यहां से हम ये लिख चुके कि ये पूरी प्रक्रिया जो है बाकी आवेश संचरण के सिद्धांत पर आधारित होगी, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ये जो आपका हो गया जोड़ने से पूर्व का आवेश तथा जोड़ने के बाद का कुल आवेश, ये दोनों मान जो है वो आपके समान होते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो आपके आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अब यहां से हम ये लिख चुके कि जब इन विद्युत गोलीय चालकों को हम किसी चालक तार के द्वारा जो है हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के पश्चात इसकी ऊर्जा में जो है वो आपकी क्या होती है निकाय की ऊर्जा में जो है वो आपकी कमी आती है, तो इस कमी को निकालने के लिए हम लेकर चलते हैं। अब यहां से आप लेने के चले सबसे पहले कि जोड़ने के पश्चात तार से जोड़ने के पश्चात ए की ऊर्जा, अब ये ऊर्जा जो है बाकी हो गई यू वन डैश, आपका होता है 1 बाई 2 सी स्क्वायर, तो यहां पर जो है आपका हो गया 1 बाई 2 सी 1 बी स्क्वायर। अब दूसरा हम लेकर चले चालक बी पर चालक बी की ऊंचा जो है बाकी हो गई यू टू डैश सी कर 1 बाई 2 सी 2 बी स्क्वायर, ये समीकरण हो गई 11 और ये समीकरण 12। अब हम ये लिख चले कि निकाय की कुल ऊर्जा ये निकाय की कुल ऊर्जा जो है वो आपकी हो गई यू डैश इज इक्वल टू यू वन डैश प्लस यू डैश, और ये जो आपका हो गया 1 बाय 2 सी 1 वी स्क्वायर प्लस 1 बाय 2
सी टू वी स्क्वायर वन बाई टू सी वन प्लस सी टू और ये जो आपका हो गया वी स्क्वायर यू डैश ये समीकरण हो गई 13। अब हम यहां से ये लिख चुके कि जो ऊर्जा में कमी है या ऊर्जा का जो क्षय है ये ऊर्जा का क्षय जो है वापस हुआ डेल्टा यू और ये डेल्टा यू जो है वापस होगा यू माइनस यू डैस। यू जो है वापस हो गया निकाय की पहले तार को जोड़ने से पूर्व की कुल ऊर्जा और ये ऊर्जा जो है वापस होती है वन बाई टू सी वन वी वन का स्क्वायर प्लस वन बाई टू सी टू वी टू का स्क्वायर और जोड़ने के पश्चात ये ऊर्जा जो है वापस हो जाती है यू डैस इसी का टू वन बाई टू सी वन प्लस सी टू वी स्क्वायर तब ऊर्जा क्षेत्र में वापस हो गया डेल्टा यू बराबर वन बाई टू कॉमन सी वन वी वन का स्क्वायर प्लस सी टू वी टू का स्क्वायर माइनस एक बटे सी वन प्लस सी टू और ये जो है वापस वी स्क्वायर यहां पर हम ये लिख चुके कि वन बाई टू कॉमन आ गया सी वन वी वन का स्क्वायर प्लस सी टू वी टू का स्क्वायर माइनस सी वन प्लस सी टू और ये जो है आपका वी स्क्वायर। अब वी जो है आपका ओबेनिस विभव तो ओबेनिस विभव का ये मान वी इज इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इसको हम यहां पर लिख सकते हैं तो ये जो आपका हो गया एक बटे C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस ये जो है आपका हो गया C1 प्लस C2 और ये जो है आपका C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब ये C1 प्लस C2 और यहां पर जो है आपका C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर इससे जो है आपकी एक घात जो है आपकी कट जाती है तो यहां पर रह जाता है 1 by 2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस अब इस होल स्क्वायर को हम खोल देते हैं तो ये जो आपका हो गया C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहां से एलसीएम जो है वो आपका हो गया C1 प्लस C2 तो यहां पर ये जो है आपका जाता है C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहां से ये पद जो है आपका C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर ये प्लस का और ये माइनस का मिलकर आपका हो गया 0। दूसरा पद जो है आपका ये C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर ये प्लस का और ये जो है आपका माइनस का तो ये दोनों पद जो है आपके मिलकर हो जाते हैं 0। तो यहां पर जो है आपका रह जाता है 1 by 2। अब ऊपर कॉमन जो है आपका आ गया C1 C2 नीचे जो है आपका हो गया C1 प्लस C2 और इधर जो है आपका रह गया V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। अब नेक्स्ट लाइन पर हम ये लेके चलते हैं कि 1 by 2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ये जो है आपका हो गया डेल्टा V का स्क्वायर तो डेल्टा U ये जो है वो आपका बराबर होगा कि डेल्टा U बराबर 1 by 2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इनटू डेल्टा V का स्क्वायर तो ये जो है आपका ऊर्जा का जो है आपका व्यय निकल के आता है ये ऊर्जा का व्यय कि जब हम चालक ए को चालक बी से किसी नगण्य धारिता के चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं तो जो आपका आवेश का स्थानांतरण होता है तो इस आवेश के स्थानांतरण के कारण ये चालक तार जो है वो आपका गर्म हो जाता है
जिसके कारण ऊर्जा का एक भाग जो है वो आपका ऊष्मा के रूप में व्यय होता है। तो ये ऊष्मा के रूप में जो आपका ऊर्जा का व्यय हुआ, वो ऊर्जा का व्यय जो है वो आपका डेल्टा यू इक्वल 1/2 C1 C2 upon C1 + C2 डेल्टा वी का स्क्वायर। तो ये जो है आपका होता है ऊर्जा व्यय। अब इसको एक बार फिर से देखो कि ऊर्जा व्यय को हम ये लिख सकते हैं कि जब विद्युत गोलीय चालकों को हम क्या करते हैं, किसी नगण्य धारिता के चालक तार के द्वारा जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ने के पश्चात कि जो इसका विभव कार्यरत होगा, अब वो विभव जो है वो आपका वी कार्य करेगा जो कि आपका ओवेनिस विभव कहलाता है। इस ओवेनिस विभव के लिए हम इसकी ऊर्जा को लेकर चले, तो जोड़ने के पश्चात चालक ए की ऊर्जा जो है वो आपकी परिवर्तित होगा, ये हो जाती है U1 = 1/2 C1 V2। चालक बी की जो ऊर्जा है वो आपकी परिवर्तित होकर हो जाती है U2 = 1/2 C2 V2। अब निकाय की कुल ऊर्जा को लेकर चले, तो निकाय की कुल ऊर्जा जो है वो आपकी हो गई U1 + U2। अब दोनों के मानों को लगाया तो 1/2 C1 V2 + 1/2 C2 V2। अब यहां से U'=1/2 कॉमन आ गया, C1 + C2 और V2 कॉमन आ गया, ये समीकरण जो है बाकी हो गई 13। अब यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जब विद्युत गोलीय चालक जो है वो आपके अलग अलग थे, तब उनकी कुल ऊर्जा जो है वो आपकी थी U, और चालक तार के जुड़ने के पश्चात ये ऊर्जा जो है बाकी हो गई U'। तो U का मान जो है वो आपका U' से अधिक होता है, तो इस अधिक मान जब हुआ तो इसमें जो है ऊर्जा का क्या हुआ वे। तो ये ऊर्जा वे जो है या ऊर्जा क्षय है वो आपकी हो गई डेल्टा U। अब समीकरण 5 और 13 से इन दोनों के मानों को हम रखते हैं, तो डेल्टा U बराबर आपका हुआ 1/2 C1 V1 का स्क्वायर + C2 V2 का स्क्वायर - 1/2 C1 + C2 V2। 1/2 कॉमन आ गया, C1 + C1 V1 स्क्वायर + C2 V2 स्क्वायर - C1 + C2 V2। अब V जो है आपका हो गया ओवेनिस विभव। इस ओवेनिस विभव के हम मान को लगाते हैं, तो यहां से वो आपका होता है 1/2 C1 V1 का स्क्वायर + C2 V2 का स्क्वायर - C1 + C2 C1 V1 + C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 + C2 का होल स्क्वायर। ये C1 + C2 और यहाँ पर C1 + C2 का होल स्क्वायर एक घात में वापसी कर जाती है, और इसके पश्चात हम C1 और C2 को LCM के रूप में लेकर चलते हैं, तो ये जो है वापस मान निकल जाता है 1/2 C1 C2 अपॉन C1 + C2 ब्रैकेट V1 का स्क्वायर + V2 का स्क्वायर - 2V1 V2। डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 अपॉन C1 + C2 डेल्टा V का स्क्वायर। तो ये जो है आपका होता है ऊर्जा का व्यय, और ये ऊर्जा का व्यय जो है वो आपके ऊष्मा के रूप में जो है वो आपका होता है। तो ये जो है आपके होता है कि जब हम विद्युत गोलीय चालकों को लेते हैं और उनको हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के पश्चात ओवेनिस विभव, आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा क्षय जो है वो आपकी निम्न प्रकार से प्राप्त होती है।